आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में स्पष्टता से कहा कि हम घंटों के हिसाब से गेस्ट टीचर को मानदेय देंगे। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी को गलत तरीके से परोसा जा रहा है, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि जहां पर कोई टीचर नहीं होगा या कोई टीचर छुट्टी चला जाएगा या कुछ समय के लिए स्कूल में उपलब्ध नहीं रह पाएगा, ऐसे में संबंधित स्कूल का हेडमास्टर्स या प्रिंसिपल उन्हें अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप घंटों के हिसाब से गेस्ट टीचर को बुलाकर पढ़ा सकते हैं। उनका कहना था कि सरकार के पास पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि घंटों के हिसाब से किसी गेस्ट टीचर को पैसे दिए जा सकें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे रेगुलर भर्ती इफेक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीएम ने ये कहा कि जिस पॉलिसी में गेस्ट सब जोड़ा गया है वो मेहमान की तरह आएगा, कुछ घंटे पढ़ाएगा, वापस चला जाएगा और सरकार ने इसके लिए भुगतान का प्रावधान किया है, पढ़ाकर वापस चला जाएगा। उधर विरोजगारों की माने तो विरोजगार सोशल मीडिया पर जबरदस्त इस पॉलिसी को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अतीत के पन्नों में यह देखा गया कि बैकडोर एंट्री की जाती है, बैकडोर भर्तियां की जाती हैं, चाहे जेबीटी, चाहे विद्या उपासक हो, एसएमसी हो, पैट हो, पैरा हो, कई उदाहरण दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर विरोजगार इस मुद्दे को ज्वलंत तरीके से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एक ही नारा, एक ही पर ज्वलंत बात अपनी रख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी की बजाय सरकार रेगुलर भर्ती करें ताकि कम से कम जो शिक्षित वर्ग है, जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करे। लेकिन जो नई नियुक्तियां हैं, क्या बैच वाइज नियुक्तियां अभी की जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जब ये मई में पोस्टें अप्रूव हुई थी लगभग 6000, पहले 5291 हुई, उसके बाद कुछ स्कूल लेक्चरर न्यू की आई, तो जब ये पोस्टें अप्रूव हुई थी तो शिक्षा मंत्री ने ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को नवंबर का टारगेट दिया था बैच वाइज भर्तियां कंप्लीट करने का, और कमीशन को लेकर जो टारगेट था वो डिफरेंट था। कमीशन की बात समझ आती है कि लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग या जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था, उस विवाद में अभी चीजें उलझी हैं, लेकिन बैच वाइज को तो नियुक्ति देने में अभी कोई दिक्कत नहीं है और उनकी लिस्ट तैयार है, अपॉइंटमेंट कभी भी हो सकती है अगर सरकार चाहे। इसीलिए उनको लेकर अभी यह देखना होगा कि वो गेस्ट टीचर से पहले लगते हैं या गेस्ट टीचर पहले लगते हैं, ये दोनों चीजें देखने की है। के हक के लिए एक बार फिर पेंशनर कोर्ट का रुख करने लगे हैं, वित्त विभाग के आदेशों के खिलाफ फिर कोर्ट का रुख कर लिया है। जनवरी 2016 से 16 से फरवरी 2022 के बीच रिटायरीज जितने भी रिटायर हुए हैं उन्होंने अपने वित्तीय लाभ के लिए, अपने वित्तीय लाभ की डिमांड के लिए कोर्ट का रुख कर लिया, क्योंकि पिछले कल वित्त विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए इस पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे कि कोई भी डीडीओ बिना वित्त विभाग की अनुमति के एरियर जारी ना करें। हाई कोर्ट ने हालांकि जिस प्रकार से कई इसमें अभ्यर्थी कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, इसी के चलते कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने कहा था कि 6% इंटरेस्ट के साथ एरियर का भुगतान किया जाए, लेकिन पिछले कल जारी चिट्ठी के बाद पेंशनर पूरी तरह से नाराज हैं और एक बार फिर कोर्ट का रुख कर रहे हैं और सीधे सीधे अब के खिलाफ कंडक्ट का केस करने जा रहे हैं। उधर फूड सिविल सप्लाई के कर्मचारियों की बात की जाए तो फूड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने भी अब 10 दिन के भीतर उनके एरियर की पहली किस्त जारी करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगली बात टीचर्स के ड्रेस कोड की है। देखिए, कल एक बैठक हुई थी जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी और एजुकेशन के सारे मामले जो थे वो शिक्षा सचिव ने उस बैठक में लिए। उस बैठक में शिक्षा सचिव और बाकी इनको डायरेक्टर्स को कुछ फीडबैक कुछ प्रिंसिपल्स की तरफ से था। आज क्योंकि कुछ जगह ये बात पहले आई है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को इसकी क्लैरिटी कर दें, शिक्षा सचिव से बात के बाद उन्होंने क्या कहा और उस सिस्टम में क्या सच में ड्रेस कोड जो है वो एजुकेशन में शिक्षकों को लगेगा, वो आपको उसकी अपडेट दे दें। क्योंकि हुआ ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने ये डिमांड की थी कि हम अपने स्कूलों में, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल इनोवेटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था अनुशासन की बने, उससे टीचर की भी एक गरिमा उस तरह से बनती है। शास्त्री भर्ती की बात करें तो शास्त्री भर्ती को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार कोर्ट का रुख करेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया को फाइनल करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए थे कि आप इसका प्रोसेस जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को पूरा करने से पहले, काउंसलिंग फाइनल करने से पहले कोर्ट में इस मामले की स्थिति को अपडेट करवाया जाए और कोर्ट की अनुमति के बिना ना तो आप काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करें ना नियुक्ति दें। इसके चलते अब
चूंकि सरकार ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, काउंसलिंग अंतिम चरण में पहुंच रही है और अब सरकार ने अब कोर्ट के लिए अर्जी दायर करने की तैयारी कर ली है। अब देखने ये कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से इस बारे में शिक्षा विभाग को क्या आदेश पारित होते हैं, क्योंकि इस शास्त्री भर्ती को लेकर जिस प्रकार की कॉम्प्लिकेसी, जिस प्रकार का विवाद, जिस प्रकार की अड़चन बनी हुई है, अब काफ़ी हद तक ये निर्भर करेगा कि अदालत से क्या फैसला आता है और उसके बाद परिस्थितियाँ किस प्रकार से तय होती है। वो है नाराज डॉक्टर जो बुलाए हैं सरकार ने बातचीत के लिए। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो कुछ डॉक्टर हैं वो दो चीज़ों को लेकर नाराज हैं। एक तो ये कि जो NPA उनका बंद कर दिया वो, और दूसरा जो MS और प्रिंसिपल हैं उनकी फाइनेंशियल पावर सरकार ने ऐसा ये कहते हैं कि वापस ले ली, उसको लेकर ये जो कह रहे थे कि हमने काले बिल्ले लगा के शुरुआत करनी है प्रदर्शन की, उसके बाद इसको आगे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अब जो है इनको बातचीत हो गई है डायरेक्टर के साथ इनकी, और उसके बाद इनको बातचीत के लिए बुला लिया गया है, और इसी कारण इन्होंने जो काले बिल्ले लगा के प्रदर्शन करने की बात है वो इन्होंने फिलहाल उसको टाल दिया है, और उसके बाद पहले बात करेंगे, उसी के बाद आगे चीज़ें चलेंगी। जो हेल्थ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गोपाल बैरी, इन्होंने कहा है कि बातचीत से ये मसला हल करेंगे, जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे, और उस चीज़ को डॉक्टरों ने मान लिया है। मंत्री के साथ बिजली बोर्ड कर्मचारियों की कल सुबह 11 बजे बैठक होगी। ज्वाइंट फ्रंट ने इस बैठक के लिए अपनी रणनीति बनाई है। CM के साथ बैठक में दो विशेष मुद्दे उठाए जाएंगे। इसमें OPS देने को लेकर, OPS जारी करने को लेकर प्रमुखता से मांग उठाई जाएगी, जबकि दूसरी बड़ी डिमांड है कि बिजली बोर्ड में परमानेंट स्थायी MD दिया जाए। ज्वाइंट फ्रंट के नेता हीरा लाल वर्मा ने कहा कि सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है, बैठक के बाद आगामी रणनीति पर फैसला होगा। यानी कि कल अगर कोई सकारात्मक संकेत, कोई आश्वासन, कोई बात बनती नजर आई तब ठीक है, फिर उसके बाद अगर नहीं बनी फिर बिजली बोर्ड एक बार फिर यहां पर अपना आक्रोशित रुख अपना सकते हैं।